हेलो सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम गुवाहाटी में बनने वाले कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों गुवाहाटी जिसे सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स और गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा शहर और लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है। असम की कैपिटल दिसपुर जो की गुवाहाटी का ही पार्ट है। दोस्तों गुवाहाटी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ कामाख्या मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर यहाँ लोकेटेड है। गुवाहाटी अपने कजिन और नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों गुवाहाटी में आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण ये सिटी काफी कंजेस्टेड और ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट यहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो आइए जानते हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। न्यू सैटेलाइट टाउनशिप। दोस्तों असम सरकार गुवाहाटी के आसपास एक नया टाउनशिप डेवलप करने का काम कर रही है जिसे न्यू गुवाहाटी के नाम से जाना जाएगा। इस टाउनशिप को वेस्ट बंगाल के राजारहाट न्यू टाउन डेवलपमेंट मॉडल के तर्ज पर बनाया जाएगा। इस सैटेलाइट टाउनशिप की डेवलपमेंट को समझने के लिए गुवाहाटी मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA और गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक ग्रुप 7 मार्च 2022 को पुणे और मुंबई का दौरा किया था। ये दोनों ही डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जियो मैपिंग के द्वारा इस नए सैटेलाइट टाउनशिप के मैप को तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है गुवाहाटी के आसपास तकरीबन 80 किलोमीटर तक जिसमें सोनपुर, मोरीगांव, रंगिया, विजयनगर एरिया शामिल है, इस जगहों को इस सैटेलाइट टाउनशिप के अंडर डेवलप किया जाएगा। ये टाउनशिप गुवाहाटी में बढ़ते भार को कम करेगी। कथित तौर पर इसे गुवाहाटी मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार पूरे असम में ऐसे ही टाउनशिप स्थापित करने की योजना बना रही है जिसमें डिब्रूगढ़ में बनने वाले दो सैटेलाइट टाउनशिप भी शामिल है। वर्तमान गुवाहाटी मास्टर प्लान 2025 मैनुअल रूप से बनाया गया था और अब इसे GIS बेस्ड प्लान के अंतर्गत अपग्रेड और सटीक रूप और सटीक प्लानिंग के साथ बनाया जाएगा। इस शहर में यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए रिसोर्सेज को बेहतर ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा जिसमें पानी, इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर उपयोग, सुपीरियर एयर क्वालिटी, फुली सेंट्रलाइज्ड हाईली इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी जैसे बेसिक सुविधाएं प्रदान किया जाएगा और इसी के साथ डेडिकेटेड कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरियाज भी डेवलप किया जाएगा। अगर सैटेलाइट टाउनशिप की बात करें तो ये एक अर्बन सेंटर है जो फंक्शनली मेगा सिटी के साथ इंटीग्रेटेड होता है और यह मूल शहर के सेकेंडरी सेटलमेंट के तौर पर काम करता है। अगर हम भारत के कुछ ऐसे सैटेलाइट टाउनशिप की बात करें तो उसमें नोएडा, गुड़गांव, नवी मुंबई जैसे शहर शामिल है। गुवाहाटी बाईपास अपग्रेडेशन। दोस्तों एग्जिस्टिंग गुवाहाटी बाईपास जो फिलहाल 4 लेन का है उसे 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसमें 4 नए फ्लाईओवर्स और एक वेहिकुलर अंडरपास निर्माण किया जाएगा। इस सड़क का निर्माण कार्य 3 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य गुवाहाटी बाईपास को डीकंजेस्ट करना है जो वर्तमान में कई हिस्सों में लगातार ट्रैफिक जाम के कारण परेशानी का सबब है। इस नई परियोजना से पूरे बाईपास स्ट्रेच में यातायात की भीड़ को कम करने की संभावना है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को धरीवाल बिल्ड टेक लिमिटेड कंपनी ऑफ हरियाणा को सौंपा है और इसे 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। इस स्ट्रेच को झालुकबारी पॉइंट से वशिष्ठ चारियाली तक बनाया जाएगा जिसमें बोरागांव, घोरचुक, लोखरा और वशिष्ठ चारियाली में एक एक फ्लाईओवर्स होंगे और बिहारबाड़ी पॉइंट में एक वेहिकुलर अंडरपास निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 29 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल सर्विस लेन को यातायात के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक कार्य किया जा रहा है। इसके बाद 6 लेन का काम शुरू कर दिया जाएगा। गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी रिवर ब्रिज। दोस्तों गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज जिसका फाउंडेशन स्टोन 9 फरवरी 2019 में भारत के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया था। ये ब्रिज गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करेगा और इसे ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट एस्थेटिक फीचर्स के रूप में इस आइकॉनिक ब्रिज को डिजाइन किया गया है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और इस ब्रिज को 6 लेन में बनाया जा रहा है और इसे मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस ब्रिज की चौड़ाई 33 मीटर होगी और ब्रिज की कुल लंबाई 1.24 किलोमीटर होगी। इस ब्रिज के दोनों साइड अप्रोच रोड्स भी निर्माण किया जाएगा जिससे इस रोड और ब्रिज की कुल लंबाई 8.4 किलोमीटर हो जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 2608 करोड़ रुपए है जिसमें ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से 1210 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अब तक 995 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है और इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बजट प्रावधान में इस परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और कुल परियोजना लागत का 20% असम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना का अब तक 40% काम पूरा हो चुका है। इस ब्रिज के पूरे होने के बाद ये असम का 7वां और गुवाहाटी सिटी का 2रा ब्रिज होगा। ये ब्रिज असम और आसपास के राज्यों के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगी।
गुवाहाटी एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग। दोस्तों गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जिसे रिनोवेट किया जा रहा है, एक नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इस नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन जनवरी 2017 में रखा गया था। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे इसी साल 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस नए टर्मिनल को 1232 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अगर अभी की बात करें तो ये एयरपोर्ट सालाना 6 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करता है और इस नए टर्मिनल के बनने के बाद ये सालाना 10 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल कर पाएगा और अपने पीक आवर्स पर ये टर्मिनल 4300 डोमेस्टिक और 200 इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैंडल कर पाएगा। इस एयरपोर्ट में 64 चेक इन काउंटर्स, 20 सेल्फ चेक कियोस्क, 6 बैगेज कॉरजल्स, इनलैंड बैगेज सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिस्टम और 10 एरो ब्रिजेस की सुविधाएं होंगी। ये टर्मिनल एक एनर्जी एफिशियंट बिल्डिंग होगा। इस टर्मिनल में 1,02,500 स्क्वायर मीटर का एक निर्मित क्षेत्र होगा, जिसमें 2 लेवल्स शामिल है, लोअर लेवल पर अराइवल और अपर लेवल पर डिपार्चर। इस टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन माइथोलॉजिकल फिगर आइकरस से प्रेरित है। भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक गुवाहाटी हवाई अड्डे का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से भी जुड़ाव है और आने वाले वर्षों में और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने वाला है। दोस्तों ये थे कुछ गुवाहाटी में बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स। दोस्तों गुवाहाटी में कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट है जिसका अनाउंसमेंट तो हुआ पर कभी उस पे काम चालू नहीं हुआ, जिसमें ट्विन टावर और गुवाहाटी मेट्रो रेल जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।